नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 8वीं की। हमारा अतीत के नाम से जो आपकी बुक्स है उसी को देख रहे हैं। तो याद रखिए, हमारा अतीत जो थर्ड है इसमें दो भाग हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट भाग है। इसमें हम लोग 9 चैप्टर आपके खत्म कर चुके हैं। ये आपका 10वां और लास्ट, इस बुक का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे भाग 2 के बारे में, ठीक है? तो इसमें बात करते हैं स्वतंत्रता की बात। तो याद रखिए, हर बार मैं वही बोलता आया हूँ कि इसे कहानी की तरह पढ़ना है आपको, बड़े धैर्य के साथ, ठीक है? लास्ट तक बने रहिए, अच्छे से पढ़िए और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये कहानी का रूप दे दिया गया है ऐसे। और ऐसा आपको कोई भी शब्द नहीं मिलेगा इसमें जो समझ में ना आ सके आपके, ठीक है? तो अच्छे से पढ़िए। एक नया और खंडित राष्ट्र। अगस्त 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उसने उसके सामने कई बड़ी चुनौतियां थीं। बंटवारे की वजह से 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए थे। इन लोगों के लिए रहने का इंतजाम करना, उन्हें रोजगार देना जरूरी था। इसके बाद रियासतों की समस्या थी। तकरीबन आपकी 500 रियासतें राजाओं या नवाबों के शासन में चल रही थीं। इन सभी को नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना एक टेढ़ा काम था। शरणार्थियों और रियासतों की समस्या पर फौरन ध्यान देना लाजमी था। लंबे दौर में इस नवजात राष्ट्र को एक ऐसी समस्या, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था भी विकसित करनी थी जो यहाँ के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को सबसे अच्छी तरह व्यक्त कर सके। ये आप देख रहे होंगे चित्र, इलाहाबाद में महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन फरवरी 1948 में। जैसा कि आपको पता होगा कि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हुई। अभी स्वतंत्रता को 6 महीने ही भी नहीं बीते हुए थे, सारा राष्ट्र गहरे शोक में पड़ गया। 30 जनवरी 1948 को कट्टर विचारों वाले नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। वह गांधी के दृढ़ विकास विश्वास में से मतभेद रखता था कि हिंदुओं और मुसलमानों को सद्भावना बनाते हुए इकट्ठा रहना चाहिए। उसी शाम हक्के बक्के राष्ट्र ने आकाशवाणी पर जवाहरलाल नेहरू का भावुक भाषण सुना। दोस्तों, साथियों, हमारी जिंदगी से रोशनी बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा है। हमारे प्रिय नेता, राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। तो ये गांधी, जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। 1947 में भारत की आजादी काफी बड़ी थी। 1947 में भारत की जो आबादी थी ये काफी बड़ी थी, तकरीबन 34.5 करोड़ थी। यह आबादी भी आपस में बंटी हुई थी। इसमें ऊंची जाति और नीची जाति, बहुल हिंदू समुदाय और अन्य धर्मों को मानने वाले भारतीय थे। इस विशाल देश के लोग तरह तरह की भाषाएं बोलते थे। उनके पहनावे में भारी फर्क था, उनके खान पान और काम धंधों में भारी विविधता थी। इतनी विविधता वाले लोगों को एक राष्ट्र राज्य के रूप में कैसे संगठित किया जा सकता था? एकता की समस्या के साथ ही विकास भी एक बड़ी समस्या था। स्वतंत्रता के समय भारत की एक विशाल संख्या गांव में रहती थी। आजीविका के लिए किसान, काश्तकार बारिश पर निर्भर रहते थे। यही स्थिति अर्थव्यवस्था के गैर कृषि क्षेत्रों की थी। अगर फसल चौपट हो जाती तो नाई, बढ़ई, बुनकर और अन्य कारीगरों की आमदनी पर भी गहरा संकट पैदा हो जाता था। शहरों में फैक्ट्री मजदूर भीड़ भरी झुग्गी बस्तियों में रहते थे, जहां शिक्षा या स्वास्थ्य सुविधाओं की खास व्यवस्था नहीं थी। इस विशाल आबादी को गरीबी के चंगुल से निकलने के लिए न केवल खेती की उपज बढ़ाना जरूरी था, बल्कि नए उद्योगों का निर्माण भी करना था जहां लोगों को रोजगार मिल सके। एकता और विकास की क्रियाओं को साथ साथ चलना था। अगर आप
अगर भारत के विभिन्न तबकों के बीच मौजूद मतभेदों को दूर ना किया जाता तो वे हिंसक और बहुत खतरनाक टकराव का रूप ले सकते थे। लिहाजा ऐसे टकराव देश के लिए महंगे भी पड़ते थे। कहीं ऊंची जाति और नीची जाति के बीच, कहीं हिंदू और मुसलमानों के बीच, तो कहीं किसी और वजह से तनाव की आशंका बनी हुई थी। दूसरी तरफ अगर आर्थिक विकास के लाभ आबादी के बड़े हिस्से को नहीं मिलते तो और ज्यादा भेदभाव पैदा हो सकता था। ऐसी स्थिति में अमीर गरीब, शहर और देहात, संपन्न और पिछड़े इलाकों का फर्क पैदा हो सकता था। बात करते हैं नए संविधान की रचना। दिसंबर 1946 से नवंबर 1959 के सॉरी 49 के बीच तकरीबन 300 भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में लंबा विचार विमर्श किया। यद्यपि इस संविधान सभा की बैठकें नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, परंतु इसके सदस्य पूरे देश में फैले हुए थे। वे बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि थे। इन्हीं चर्चाओं के फलस्वरूप भारत का संविधान लिखा गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसे अपनाया तो याद रखिए 26 नवंबर 1949 में इसके कुछ प्रावधान लागू कर दिए गए थे, लेकिन समग्र रूप से आपका 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। हमारे संविधान की एक खासियत यह भी थी कि उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया था। इसका मतलब यह था कि 21 साल से ज्यादा उम्र के सभी भारतीयों को प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनाव में वोट देने का अधिकार था, लेकिन अब 18 साल कर दिया गया है। ठीक, अगर आपकी उम्र 18 साल हो जाती है तो आप वोट देने के हकदार होते हैं। यह एक क्रांतिकारी कदम था। इससे पहले भी कभी भी भारतीयों को खुद अपने नेता चुनने का अधिकार नहीं मिला था। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे अन्य देशों की जनता को यह अधिकार टुकड़ों टुकड़ों में ही दिया गया था। वहां सबसे पहले संपन्न पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला, इसके बाद शिक्षित पुरुषों को भी मताधिकार का दिया गया। मजदूर पुरुषों को काफी लंबे संघर्ष के बाद यह अधिकार मिला। महिलाओं को सबसे अंत में मताधिकार दिया गया, वह भी लंबे जुझारू संघर्ष के बाद। इसके विपरीत भारत में आजादी के कुछ ही समय बाद यह फैसला ले लिया गया था कि देश के सभी स्त्री पुरुष को यह अधिकार दिया जाएगा, भले ही वे अमीर हों या गरीब हों, पढ़े हों पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों, एक साथ मतलब सबको वोट, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया है। संविधान के उद्देश्यों पर रोशनी डालने वाले प्रस्ताव को पढ़ते हुए जवाहरलाल नेहरू, यह संविधान सभा देखें। याद रखिए सार्वभौमिक वयस्क अधिकार सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार क्या कहलाता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। आगे बात करते हैं, संविधान की दूसरी विशेषता यह थी कि उसमें तमाम जातियों, धर्मों या फिर किसी भी तरह की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले सभी नागरिकों को कानून की नजर में समान माना गया। भारत के कुछ लोग चाहते थे कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था हिंदू आदर्शों पर आधारित हो और भारत को एक हिंदू देश घोषित किया जाए। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण दिया, जिसका गठन ही एक खास समुदाय मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए किया गया था। परंतु भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का स्पष्ट मत था कि भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता और ना ही बनना चाहिए। मुसलमानों के अलावा भारत में सिख और ईसाइयों की भी बड़ी संख्या थी। इसके अलावा आपके पारसी, जैन तथा अन्य धर्मों के लोग भी थे। नए संविधान में इन सभी समुदायों के लोगों को भी वही अधिकार दिए गए जो अधिकार हिंदुओं को दिए गए थे, चाहे सरकारी या फिर निजी क्षेत्र की नौकरियों का सवाल हो या फिर कानून से संबंधित कोई मसला हो। इन सभी समुदाय के लोगों को भी वैसे ही अधिकार अवसर देने का प्रावधान किया गया जैसे हिंदुओं को दिए जा रहे थे। संविधान की तीसरी विशेषता थी कि इसमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की
की गई थी। भारत के सम्मान को कलंकित करने वाली छुआछूत के चलन को खत्म कर दिया गया। अब तक हिंदुओं के मंदिरों में केवल ऊंची जातियों के लोग ही जाते थे, लेकिन अब उन्हें सभी लोगों के लिए खोल दिया गया। जिन्हें अब तक अछूत माना जाता था, अब वे भी मंदिरों में जा सकते थे। एक लंबी बहस के बाद संविधान सभा ने यह भी तय किया कि वे विधायिका की कुछ सीटों और सरकारी नौकरियों में कुछ हिस्सा निचली जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित किए जाएं। कुछ लोगों की दलील थी कि अछूत, जिन्हें उस समय हरिजन कहा जाता था, उम्मीदवारों के पास इतने अंक या शैक्षणिक योग्यता नहीं होती कि वे भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसी प्रतिष्ठित नौकरियों में जा सके। परंतु जैसा कि संविधान सभा के सदस्य एच जे खांडेकर ने कहा था कि हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार हैं। अपने सुविधा संपन्न सहकर्मियों को संबोधित करते हुए खांडेकर ने कहा था कि हमें हजारों साल तक दबाकर रखा गया, आप लोगों ने हमें अपनी सेवा में लगाया रखा। हमें इस कदर दबाया गया कि अब न केवल हमारे मस्तिष्क और शरीर बल्कि हमारा हृदय भी काम नहीं करता और न ही हम आगे बढ़ पाने में सक्षम हैं। भूतपूर्व अछूतों के साथ साथ आदिवासी और अनुसूचित जनजातियों को भी विधायिका नौकरियों में आरक्षण दिया गया। अनुसूचित जातियों की तरह इन भारतीयों को भी वंचित रखा गया था, उनके साथ भेदभाव किया गया था। आदिवासी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा से वंचित थे। उनकी जमीन और जंगलों पर समुदाय से बाहर के ताकतवर लोगों का कब्जा होता जा रहा था। संविधान में उन्हें जो नए अधिकार मिले, उनका उद्देश्य इस स्थिति में सुधार लाने का था। संविधान सभा के सदस्यों ने केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों और अधिकारों के बंटवारे पर भी लंबी चर्चा की। कुछ लोगों का मानना था कि केंद्र के हित सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए। उनका कहना था कि यदि केंद्र मजबूत होता है तो तभी वह पूरे देश की उन्नति के लिए सोचने और योजना बनाने में सक्षम होगा। कई अन्य सदस्यों का मानना था कि राज्यों को ज्यादा स्वायत्तता और आजादी मिलनी चाहिए। मैसूर के एक सदस्य का कहना था कि मौजूदा व्यवस्था में लोकतंत्र दिल्ली में केंद्रित है, इसलिए बाकी देश में वही ऐसी भावना भारत में साकार नहीं हो रहा है। हमें उन्हें सुरक्षा और अधिकार जरूर देने चाहिए। मुख्यमंत्रियों को लिखे एक पत्र में नेहरू ने कहा था कि हमारे पास मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है, जो संख्या की दृष्टि से इतना बड़ा है कि अगर वे चाहें तो भी कहीं नहीं जा सकते। यह एक बुनियादी तथ्य है जिसके बारे में बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से चाहे जितना उकसावा हो और वहां के गैर मुसलमानों पर चाहे जो भी अत्याचार हो रहे, हमें इस अल्पसंख्यक समुदाय के साथ सब ढंग से व्यवहार करना है। हमें इस समुदाय को भी वही सुरक्षा और अधिकार देने होंगे जो किसी लोकतांत्रिक राज्य के नागरिकों को मिलते हैं। पता है, मुझे लगता है किसी भी देश के पिछड़ेपन होने का एक ही अर्थ होता है, सबसे ज्यादा यही भेदभाव। देखिए जापान में कोई मानव में भेदभाव नहीं है, वो कहाँ पहुंच गया, 2 परमाणु बम भी झेल लिए फिर भी आगे बढ़ चुका है। और यहाँ भारत जातपात पर खत्म होता जा रहा है, जहां देखो भेदभाव, यही ले डूबती है। और आगे बात करते हैं, मद्रास के एक सदस्य का आग्रह था कि राज्य स्तर पर लोगों की कुशल क्षेम का प्रारंभिक भार प्रांतीय सरकारों के ऊपर ही होना चाहिए। इन मतभेदों को दूर करने के लिए संविधान में विभिन्न विषयों को 3 सूचियों में बांट दिया गया, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। केंद्रीय सूची में आपका कराधान, रक्षा और विदेशी मामलों आदि को रखा गया। ये ऐसे विषय थे जो केवल केंद्र सरकार के अधीन थे। राज्य सूची में शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विषय किए लिए गए जिनकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों के ऊपर थी।
समवर्ती सूची में वन एवं कृषि आदि ऐसे विषयों को रखा गया जिनके बारे में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों संयुक्त रूप से फैसला ले सकती थी। लेकिन अगर इसमें केंद्र सरकार कोई फैसला लेता है तो केंद्र सरकार के फैसले को तवज्जो दे जाती थी, यानी कि मान्यता दी जाती थी। कोई कानून बन रहा है राज्य संवर्ती सूची पर, वो अगर दोनों में राज्य और केंद्र में टकराहट है तो राज्य का कानून मान्य होगा, केंद्र का कानून मान्य होगा, राज्य का नहीं। ठीक है, तो राज्य को पावर, केंद्र को पावर मिली हुई है, राज्य पिछड़ा हुआ है इस क्षेत्र। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, देख लीजिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को प्यार से लोग बाबा साहब के नाम से पुकारते थे। वह एक मराठी भाषी दलित परिवार से थे। डॉक्टर अम्बेडकर एक जाने माने वकील और अर्थशास्त्री थे। उन्हें दलितों का एक महान नेता, भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। संविधान सभा में भाषा के सवाल पर बड़ी तीखी बहस हुई। बहुत सारे लोगों का मानना था कि अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी भाषा को भी विदा कर दिया जाना चाहिए। उनका कहना था कि अंग्रेजी की जगह हिंदी को अपनाया जाना चाहिए, परंतु जो लोग हिंदी नहीं बोलते थे उनकी राय अलग थी। संविधान सभा में बोलते हुए टीटी कृष्णमाचारी ने दक्षिण के लोगों की ओर से चेतावनी देते हुए कहा, अगर उन पर हिंदी थोपी गई तो वहाँ के बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे। इस विवाद से बचने के लिए आखिरकार बीच का रास्ता निकाल लिया गया। संविधान निर्माताओं ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया, जबकि अदालतों, सेवाओं, विभिन्न राज्यों के बीच संचार आदि के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल का फैसला लिया। संविधान की रचना में बहुत सारे भारतीयों ने योगदान दिया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान संभवतः डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का था, जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर साहब, जिनके नेतृत्व में दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया गया था। संविधान सभा के सामने अपनी आखिरी बहस में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है। यदि लोगों को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाता है तो इससे अमीर गरीब, ऊंची और नीची जातियों का फासला अपने आप खत्म नहीं हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नए संविधान के साथ भारत अंतर्विरोधों के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। राजनीति में हमारे पास समानता होगी, सामाजिक व आर्थिक जीवन में हमें असमानता की राय पर चलेंगे। राजनीति में हम एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल के सिद्धांत का पालन करेंगे। इसके विपरीत अपनी सामाजिक और आर्थिक संरचना के फलस्वरूप हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति, एक मूल के सिद्धांत का निषेध करते रहेंगे। राज्यों का गठन कैसे किया जाए, एक सवाल था कि राज्यों का गठन आखिर कैसे किया जाए। 1920 के दशक में स्वतंत्रता संघर्ष की मुख्य पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आश्वासन दिया था कि जैसे ही देश आजाद हो जाएगा प्रत्येक बड़े भाषाई समूह का अपना अलग प्रांत होगा। आजादी मिलने के बाद कांग्रेस ने इस आश्वासन को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए, क्योंकि भारत धर्म के आधार पर बढ़ चुका था। इसलिए महात्मा गांधी की तमाम इच्छाओं और प्रयासों के बावजूद यह स्वतंत्रता एक राष्ट्र को नहीं बल्कि दो राष्ट्रों को मिल रही थी। देश विभाजन के फलस्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हुई भीषण दंगों में 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। ऐसे में यह चिंता स्वाभाविक थी कि क्या हमारा देश भाषा के आधार पर इस तरह के और बंटवारे झेल सकता है। भाषा याद आ, भाषा से संबंधित भाषाई के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषाओं के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे। विभाजन के बाद नेहरू ने कहा था कि उपद्रवकारी प्रवृत्ति सिर उठा रही है, जिन पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्र को शक्तिशाली और एकजुट
एकजुट होना चाहिए, वरना जैसा कि पटेल ने कहा, एक समय भारत की पहली और आखिरी जरूरतें हैं कि उसे एक राष्ट्र बनाया जाए। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली हर चीज आगे बढ़नी चाहिए, उसके रास्ते में रुकावट डालने वाले हर चीज को खारिज कर दिया जाना चाहिए। हमने यह कसौटी भाषाई प्रांतों के सवाल पर भी अपनाई और इस कसौटी के हिसाब से हमारी राय में समर्थन नहीं, इस मांग को समर्थन नहीं दिया जा सकता। गांधीवादी नेता पोट्टी श्रीरामलू तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए अनशन पर ही उनकी मृत्यु हो गई थी। आगे बात करते हैं, क्योंकि कांग्रेस के नेता अपने वायदे से पीछे हट रहे थे, इसलिए जगह जगह असंतोष पैदा हुआ। कन्नड़ भाषी, मलयालम भाषी, मराठी भाषी सभी अपने अपने राज्य के इंतजार में थे। सबसे गहरा असंतोष मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी जिलों में दिखाई दिया। जब 1952 की आम चुनाव में नेहरू वहां चुनाव प्रचार के लिए गए तो लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और हमें आंध्र चाहिए कि नारे लगा। उसी साल अक्टूबर में वायुविद गांधीवादी पोट्टी श्रीरामलू तेलुगु भाषियों के हितों की रक्षा के लिए आंध्र राज्य की गठन की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठ गए। जैसे जैसे अनशन आगे बढ़ा, बहुत सारे लोग श्रीरामलू के समर्थन में आने लगे। जगह जगह लोग हड़ताल करने लगे और जुलूस निकालने लगे। 58 दिन की अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्रीरामलू का देहांत हो गया। जैसा कि एक अखबार में लिखा था कि श्रीरामलू के देहांत की खबर से ने पूरे आंध्र को अस्त व्यस्त कर डाला। विरोध इतना व्यापक और गहरा था कि केंद्र सरकार को आखिरकार यह मांग माननी पड़ी। इस तरह आपका 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र के रूप में एक नए राज्य का गठन हुआ, जो बाद में आंध्र प्रदेश बना। तो भाषाई आधार पर सबसे पहले कौन सा राज्य बना था आपका? आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर 1953 को। आंध्र की स्थापना के बाद अन्य भाषाई समुदाय भी अपने अपने राज्य अलग अलग राज्यों की मांग करने लगे। फलस्वरूप एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसने 1956 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। आयोग ने सुझाव दिया कि असमिया, बंगला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु भाषियों के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए। उत्तर भारत के विशाल हिंदी भाषी क्षेत्र को बांटकर कई राज्यों राज्य बना दिए गए। कुछ समय बाद आपका 1960 में बंबई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी के आधार पर दो अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया। 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ और हरियाणा को अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई। पंजाब से पंजाबी भाषियों, जिनमें से ज्यादातर सिख थे, और हरियाणा में हरियाणवी या हिंदी बोलने वाले की बहुतायत थी। भाषाई राज्यों का गठन, ये आपकी रियासत है और ब्रिटिश भारत। 14 अगस्त 1900 से पहले प्रांत और रियासत, इस तरह एक केंद्रीय प्रांत हो गया, बनारस संयुक्त प्रांत, पंजाब, बलूचिस्तान राज्य, सिंध, बंबई, मद्रास राज्य, बंगाल, बिहार, खासी स्टेटस, असम, ये आपका रियासत थी। मणिपुर हो गई, त्रिपुरा हो गई, भूटान, हैदराबाद, मैसूर, राजस्थान, गुजरात, मध्य भारत, ग्वालियर, पश्चिम दक्कन, राजपूताना, अजमेर, मेवाड़, पंजाब। चलिए आगे चलते हैं। 1 नवंबर 1956 से पहले का ही चित्र है, कमान चित्र देख लीजिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, देखिए मध्य प्रदेश कहाँ था पहले, अब यहाँ आ चुका है। चलिए, जब रियासतों के शासक भारत तथा पाकिस्तान से जुड़ने के लिए मान गए या फिर हरा दिए गए तो उनकी रियासतें खत्म हो गई। परंतु 31 अक्टूबर 1956 तक कई ऐसी रियासतें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में बनाए गए, इसलिए 1947-48 से 31 अक्टूबर 1956 की
कालावधि में के लिए इन्हें पूर्व रियासत कहा गया। देखिए अब 1975 के बाद भारत राज्य जम्मू कश्मीर को भी दो भागों में बांट दिया गया, आपका एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। तो अब आपके 28 राज्य बचे हुए हैं, ये आपका अफगानिस्तान है। ठीक, एक बार आप लोग मैप्स का हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, सभी लेक्चर देखे हुए हैं वर्ल्ड का, उसी में भारत का भी कवर है आपका, तो पूरी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसमें, पूरा विश्व का इतिहास, सॉरी विश्व का भूगोल का जो भी मैप का पार्ट है उसे देख चुके हैं हम लोग। तो वह आपका मैप्स के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची है उसी में डले हुए, बहुत ही साधारण शब्दों में मानचित्र का सहारा लेकर समझाए गए, वहां जाकर देख लें। महानदी के पानी को रोकने के लिए बनाया गया पुल, स्वतंत्र भारत में पुल और बांध का विकास प्रतीक बन गए थे। राज्य सरकार से संबंधित ध्यान दें कि राज्य शब्द का अर्थ देश के विभिन्न राज्यों या प्रांतों से नहीं था। गांधी बांध पर चल रहा काम, मध्य प्रदेश स्थित चंबल नदी पर बनाए गए 4 बांधों में से यह पहला बांध था। इसका निर्माण 1960 में आपका प्रारंभ हुआ। बात करते हैं विकास की योजनाएं बनाना। भारत और भारतीयों को गरीबी से मुक्त कराने और आधुनिक तकनीकी एवं औद्योगिक आधार निर्मित करना नए भारत का एक बड़ा लक्ष्य था। 1950 में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने, उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया। इस बारे में ज्यादातर सहमति थी कि भारत मिश्र अर्थव्यवस्था के रास्ते पर चले, यहाँ राज्य और निजी क्षेत्र दोनों ही उत्पादन बढ़ाने, रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण और परस्पर पूरक भूमिका अदा करेंगे। किस क्षेत्र की क्या भूमिका होगी, अर्थात कौन से उद्योग सरकार द्वारा, कौन से उद्योग बाजार द्वारा यानी कि निजी उद्योगपतियों द्वारा लगाए जाएंगे, विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच किस तरह का संतुलन बनाया जाएगा, इन सबको परिभाषित करना योजना आयोग का काम था। 1956 में आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। इस योजना में इस्पात जैसे भारी उद्योगों, विशाल बांध परियोजनाओं आदि का सबसे ज्यादा जोर दिया गया। एक काम सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत रखी गई। भारी उद्योग पर्याजोर और अर्थव्यवस्था की राज्य नियंत्रण की कोशिश अगले कुछ दशकों तक आर्थिक नीति को प्रभावित करती रही। इस पद्धति के बहुत सारे समर्थक थे तो कुछ मुखर विरोधी भी थे। कुछ लोगों को लगता था कि इस प्रणाली में खेती पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जा रहा है। पंचवर्षीय योजनाओं पर नेहरू का क्या विचार था, इसे भी देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू योजना प्रक्रिया के भारी समर्थक थे। उन्होंने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम लिखे अपने पत्रों में नियोजन के आदर्शों और उद्देश्यों की व्याख्या की। 22 दिसंबर 1952 के एक पत्र में उन्होंने लिखा था कि पंचवर्षीय योजना के पीछे भारत की एकता और देश के विभिन्न जन समूहों के विराट आपसी सहयोग की अवधारणा निहित है। हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इस प्रक्रिया में सिर्फ सरकारी तंत्र का ही महत्व नहीं होता है, बल्कि जनता के उत्साह और सहयोग का महत्व इससे भी ज्यादा है। हमारे लोगों को एक विशाल उद्यम में साझेदारी का उत्साह, उन्हें अपने अगले उद्देश्य की ओर बढ़ते सहयात्री जैसा एहसास होना चाहिए। बेशक योजना बहुत सारे अर्थशास्त्रियों, सांख्यिकी विशेषज्ञों, ऐसे ही दूसरे लोगों की गणनाओं पर आधारित हो सकती है और होगी, परंतु केवल आंकड़ों और संख्याओं से, हालांकि ये महत्वपूर्ण है कि किसी योजना में जीवन पैदा नहीं करते, जीवन का यह उच्छ्वास तो कहीं और से आता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि ठंडे अक्षरों में लिखी योजना को एक ऐसा जीवंत, गतिशील, उत्तम बना दें वह लोगों की कल्पनाओं को साकार कर सके। इस चित्र को देख लीजिए, भिलाई इस्पात संयंत्र में जवाहरलाल नेहरू।
भिलाई स्थित इस्पात कारखाने की स्थापना 1959 में तत्कालीन सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। छत्तीसगढ़ के पिछड़े इलाके ग्रामीण इलाके में स्थित यह कारखाना आधुनिक भारत के विकास का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया था। आगे देखते हैं, कुछ लोगों का कहना था कि प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा हो रही है। कुछ अन्य लोगों का मानना था कि आर्थिक नीतियों के कारण पर्यावरण पर पड़े रहे प्रभाव पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। महात्मा गांधी की अनुयायी मीराबाई ने 1949 में लिखा था, विज्ञान और मशीनरी के द्वारा उसे मानवता को कुछ समय तक भारी फायदा हो सकता है, लेकिन आखिरकार तबाही मिलेगी। हमें कुदरत के संतुलन का अध्ययन करके उसके नियमों के हिसाब से अपनी जिंदगी चलानी चाहिए, तभी हम स्वस्थ और नैतिक रूप से सभ्य प्रजाति के रूप में जीवित रह पाएंगे। देख लीजिए इसको, संयुक्त राष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू और कृष्णा मेनन ने 1952 से 1962 के बीच संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। गुट निरपेक्षता की नीति के पक्ष में आवाज उठाई। एक स्वतंत्र विदेश नीति की चाह। जिस समय भारत को आजादी मिली तब तक दूसरे विश्व युद्ध की तबाही को कुछ ही समय हुआ था। 1945 में गठित की गई नई अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र अभी अपने शेष वकाल से सवकाल में थी। 1950 और 1960 के दशकों में शीत युद्ध का उदय हुआ। शक्तिशाली देशों के बीच प्रतिद्वंदिता पैदा हुई और अमेरिका व सोवियत संघ के बीच वैचारिक टकराव गहरे होते गए। फलस्वरूप दोनों देशों ने अपने अपने समर्थक देशों को मिलाकर सैनिक गठबंधन बना लिया। यही समय था जब औपनिवेशिक साम्राज्य ध्वस्त हो रहे थे, बहुत सारे देश स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नव स्वाधीन भारत के विदेश मंत्री थे। उन्होंने इस संदर्भ में स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की रूपरेखा तैयार की। गुट निरपेक्ष आंदोलन इसी विदेश नीति का आपका मूल उद्देश्य था या मूल आधार था। मिस्र, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और भारत के राजनेताओं के नेतृत्व में गुट निरपेक्ष आंदोलन में दुनिया के देशों ने से आह्वान किया कि वे इन दोनों मुख्य सैनिक गठबंधनों में शामिल ना हों। परंतु गठबंधनों से दूर रहने की इस नीति का मतलब अलग थलग या तटस्थ रहना नहीं था। अलग थलग रहने का मतलब था कि विभिन्न देश अंतर्राष्ट्रीय मामलों से दूर रहें, जबकि भारत जैसे गुट निरपेक्ष देश तो अमेरिकी और सोवियत गठबंधनों के बीच सुलह सफाई में एक अहम भूमिका अदा कर रहे थे। इन देशों ने युद्ध को टालने का प्रयास किया और अक्सर युद्ध के खिलाफ मानवतावादी और नैतिक रवैया अपनाया। परंतु विभिन्न कारणों से भारत सहित बहुत सारे गुट निरपेक्ष देशों को युद्ध का सामना करना पड़ा। 1970 के दशक तक बहुत सारे देश गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य बन चुके। देखिए यहाँ के गांधी नेहरू जी बांडुंग इंडोनेशिया में एशिया और अफ्रीका के नेताओं की बैठक 1955 में। इस प्रसिद्ध सम्मेलन में 29 से ज्यादा नव स्वाधीन देशों के प्रतिनिधियों ने इस बात की चर्चा की थी कि अफ्रीका एशिया के देश उपनिवेशवाद व पश्चिमी प्रभुत्व के विरुद्ध अपने प्रयास किए किस तरह जारी रख सकते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्र के 60 वर्षों के बाद 15 अगस्त 2007 को हमने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी 60वीं वर्षगांठ मनाई थी। इस दौरान हमारे देश का प्रदर्शन कैसा रहा, संविधान में तय किए आदर्शों को हम किस हद तक साकार कर पाए। भारत अभी भी एक है और लोकतांत्रिक राय पर चल रहा है, यह गर्व करने लायक उपलब्धि है। बहुत सारे विदेशी प्रेक्षकों का मानना था कि भारत एक देश के रूप में ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। उन्हें लगता था कि भारत का प्रत्येक क्षेत्र या भाषाई समूह अपने अलग राष्ट्र की मांग करेगा और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कुछ विशेषज्ञों को लगता था कि भारत सैनिक शासन के कब्जे में आ जाएगा, परंतु ये सारी आशंकाएं निर्मूल साबित हुई। आजादी से अब तक 13 आम चुनाव
हो चुके थे और राज्यों तथा स्थानीय निकायों के लिए सैकड़ों चुनाव हो चुके थे। हमारे यहाँ स्वतंत्र प्रेस है और एक स्वतंत्र न्यायपालिका भी है। इसके अलावा यहाँ के लोगों की भाषाई विविधता या धार्मिक विविधता भी राष्ट्रीय एकता की राह में रुकावट नहीं बन पाई। परंतु दूसरी ओर यह भी सच है कि आज भी हमारे देश में गहरे मतभेद बने हुए हैं। संविधानिक गारंटियों के बावजूद अछूत समुदाय या उन्हें अब दलित कहा जाता है आज भी हिंसा और भेदभाव से जूझ रहे हैं। ग्रामीण भारत के बहुत सारे भागों में अभी भी बेसांझा जल स्रोतों, मंदिरों, मैदानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। संविधान में दिए गए धर्म निरपेक्ष आदर्शों के बावजूद बहुत सारे राज्यों में विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच कई बार टकराव हो चुके हैं और सबसे परेशानी की बात यह है कि इस बीच अमीर और गरीब का फासला लगातार बढ़ता गया। भारत के कुछ भागों और कुछ समूहों को आर्थिक विकास से भारी फायदा हुआ। वे अलीशान घरों में रहते हैं, महंगे रेस्टोरेंट में खाना भी खाते हैं, अपने बच्चों को महंगे निजी स्कूलों में भेजते हैं, विदेशों में छुट्टियों पर बेहिसाब पैसा उड़ाते हैं। दूसरी ओर बहुत सारे लोग आज भी गरीबी की रेखा से नीचे हैं। शहरी झुग्गी बस्तियों या बंजर देहात में रहने वाले ऐसे बहुत सारे लोग अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाते। चित्र दिख रहा है, बंबई स्थित धारावी दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से आपकी एक है। इसके दूर वाले सिर पर आप गगनचुम्बी इमारत देख सकते हैं। देखिए ये आपका धारावाही है। हमारे संविधान कानून की नजर में सबको बराबर मानता है, लेकिन असली जिंदगी में कुछ भारतीयों के मुकाबले ज्यादा बराबर है। स्वतंत्रता के समय तय की गई कसौटियों के हिसाब से देखें तो भारतीय गणतंत्र बहुत बड़ी सफलता का दावा नहीं कर सकता, लेकिन यह भी सच है कि वह विफल नहीं हुआ। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीबी में फंसता जा रहा है। अब बात करते हैं श्रीलंका में क्या हुआ। 1956 में जिस समय भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा था, उसी समय श्रीलंका तत्कालीन नाम इसका क्या था, सिलोन की संसद ने एक कानून पारित करके सिंगला भाषा की देश की राजभाषा का दर्जा दे दिया। इस कानून के जरिए सिंगला भाषा को सभी सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी परीक्षाओं, अदालतों की भाषा बना दिया गया। श्रीलंका के उत्तर में रहने वाले तमिल भाषी अल्पसंख्यकों ने इस नए कानून का विरोध किया। एक तमिल सांसद ने कहा कि जब आप मुझसे मेरी भाषा छीन लेते हैं तो आप मेरा सब कुछ मुझसे छीन लेते हैं। एक और नेता ने चेतावनी दी कि आप सिलोन को बांटना चाहते हैं, निश्चित रहिए, मैं आश्वासन देता हूँ कि एक विभाजित सिलोन ही मिलेगा। सिंगला भाषी एक विपक्षी सदस्य ने कहा था कि अगर सरकार अपना रुख नहीं बदलती तो इस कानून पर अड़ी रहती है तो इस छोटे से देश में दो टूटे फूटे रक्त रंजित देश भी पैदा हो सकते हैं। पिछले कई दशकों से श्रीलंका में गृह युद्ध चल रहा है जो इसी कारण पैदा हुआ है कि वहाँ के तमिल भाषी अल्पसंख्यकों पर सिंगला भाषी थोपी जा रही है और एक अन्य दक्षिण एशियाई देश पाकिस्तान भी इसलिए दो टुकड़ों में बट गया था क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान के बंगला भाषी लोगों को लगता था कि पाकिस्तान में उनकी भाषा को दबाया जा रहा है। इसके विपरीत भारत एकीकृत राष्ट्र के रूप में कायम रहा है, कुछ हद तक इसलिए कि यहाँ बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाओं को फलने फूलने का मौका दिया गया। अगर हिंदी को उसी तरह दक्षिणी भारत पर थोप दिया जाता जिस तरह पूर्वी पाकिस्तान पर उर्दू या उत्तरी श्रीलंका पर सिंगला भाषा को थोप दिया गया था तो शायद भारत भी गृह युद्ध में उलझ कर बिखर जाता। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की आशंकाओं को निर्मूल साबित करते हुए भाषाई राज्यों ने भारत की एकता के लिए कभी खतरा पैदा नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस एकता की को और गहराई दी। इसे पता चलता है कि जब एक बार अपनी भाषा के दबने का भय खत्म हो जाता है तो विभिन्न भाषाई समूह एक विशाल
राष्ट्रप्रेम के रूप में सहे जाने बढ़ने लगते हैं। देखिए बंदूक लिए हुए तमिल लोकवादी श्रीलंका में गृहयुद्ध का इति। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं अभ्यास के लिए, देख लेना। पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डली हुई है, ठीक है, तो वहाँ से डाउनलोड करके रख लीजिए। अगर कभी टाइम मिलता है तो उससे एक बार रिवीजन कर लें और आपका पूरा भारत कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थे आपका कक्षा 8वीं की हमारा अतीत थ्रेड के बारे में, ठीक है। इसका भाग पहला खत्म हो गया, भाग दूसरा देखेंगे हम लोग अगली क्लास में। तो आपने ये 10 चैप्टर इसमें देखे, देखिए, ठीक है।